स्टूडेंट आई मार्केट से टुडे आई विल टीच यू अबाउट द ह्यूमन आई। बच्चों मैं राहुल कुमार झा आज आपको द ह्यूमन आई के बारे में बताएंगे। यह जो है क्लास 8 में भी है, क्लास 10th में भी है और 11th 12th में भी आप इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले जो हमारा आंख गोला सा दिखता है उसको आई बॉल कहते हैं, ठीक है। वो जो गोला सा आंख हमको बाहर से दिखता है और या मछली और भी जानवर जो जिसका आंख आप निकाल सकते देखिएगा गोला कलर का होता है वही आई बॉल होता है। सबसे ऊपर एस्क्लेरा, देखिए ये जो व्हाइट पार्ट है ये व्हाइट पार्ट एस्क्लेरा कहलाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो व्हाइट है ये कॉर्निया कहलाता है, ये ट्रांसपेरेंट होता है, ठीक है। उजला जो आप जब भी सामने से देखते हैं तो व्हाइट कलर का जो दिखता है वो कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया के पीछे देखिए आयरिस है, ये कलर्ड पार्ट होता है, यानी व्हाइट के बीच में जो बड़ा सा गोला काला दिखता है वो भले ही दूर से काला दिखता हो लेकिन रियल में वो कलरफुल रहता है, और उस बड़े से काले के बीच में छोटा सा काला दिखता है जिसको हम पुपिल कहते हैं। तो कॉर्निया क्या करता है, अधिक लाइट में पुपिल के साइज को छोटा कर देता है। टू कंट्रोल द लाइट रेज, यानी जितनी मात्रा में लाइट रेज हमारी आंख को चाहिए उतना करने के लिए पुपिल के साइज को बढ़ाता घटाता कौन है, आइरिस, यानी इस ओपनिंग को बढ़ाता घटाता है। तो छोटा सा काला जो होता है वो पुपिल होता है। इसके बाद देखिए कॉर्निया, आइरिस, पुपिल, पुपिल के बाद सिलियरी मसल। बच्चों सिलियरी मसल ये है जो लेंस को होल्ड करता है, लेंस को वह पकड़े हुए रहता है, प्लस ये फ्लेक्सिबल होता है, यानी अगर चोट लगे या जर्क माने किसी भी प्रकार का जर्क अगर आंख में लगता है तो वह लेंस को डैमेज होने से बचाएगा। और उसके बाद ये जो लेंस है ये लेंस क्या करता है, इमेज फॉर्म करता है रेटिना पे। यहाँ पीछे देखिए एक स्क्रीन है, ये रेटिना कहलाता है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्शन होने के बाद वो लाइट रेटिना पे इमेज फॉर्म करती है और उस इमेज की इंफॉर्मेशन ऑप्टिक नर्व जो यहाँ है वो ब्रेन को देता है, फिर ब्रेन रीड करके हमें बताता है कि हम जो देख रहे हैं वो क्या है। इसके अलावा देखिए एक्वास्यूमर लेंस के आगे जो वाटरी लिक्विड होता है उसको एक्वास्यूमर कहते हैं, और लेंस के पीछे यानी बिहाइंड द लेंस जो जेली लाइक लिक्विड होता है उसको विट्रोस्यूमर कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी लेंस के आगे वाटरी लिक्विड उसको एक्वास्यूमर कहते हैं, लेंस के पीछे जेली लाइक लिक्विड है जिसको हम विट्रोस्यूमर कहते हैं। और ये हो गया रेटिना, रेटिना एक स्क्रीन है जिस पर इमेज फॉर्म होता है। इसके अलावा दो चीज और है जिसको मैं लिखा नहीं हूँ, रॉड सेल, कोन सेल। रॉड सेल क्या करता है कि रॉड सेल कोन सेल कलर डिटेक्ट करता है, यानी कलरफुल ऑब्जेक्ट जो हम देखते हैं दुनिया में वो उसके कारण, प्लस डिम लाइट में इसको दिखाने में जो मदद करता है वो यही है कि कम लाइट में भी हमको ऑब्जेक्ट दिखता है इन्हीं के कारण। इसके अलावा एक ब्लैक स्पॉट होता है हमारे रेटिना के पास, अगर उस पर इमेज फॉर्म हो गया तो कभी कभी हमको लगता है कि कहीं दूर से कोई गुजरा है या हमारे सामने से कोई गुजरा है या उस घर से कोई निकल रहा है, तो ये जब ब्लैक स्पॉट पे इमेज फॉर्म हो जाता है तब ऐसा होता है। तो बच्चों ये हो गया फुल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई। आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसको पढ़ पाए, समझ पाए, देख पाए। इतना काम जरूर करिए और आगे से और अच्छा वीडियो बना करके आपको हम भेजेंगे। थैंक यू। जो भी आपको प्रॉब्लम है वो कमेंट में भेजिएगा तो हम उसको सॉल्व कर लेंगे। थैंक यू।